हेलो फ्रेंड्स, कई बार हम ऑफिस में अपने काम को करना तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वह अर्जेंट ना बन जाए, और बाद में हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसी काम को बेमन से करते रहते हैं, या कोई काम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो कुछ समय के बाद आपका ध्यान आपके काम से हटने लगता है और आप बोर फील करने लगते हैं। कुछ समय बाद आप काम करना बंद कर देते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। अगर आप भी बोरिंग से बोरिंग काम को पूरे मन से करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे द पोमोडोरो टेक्निक, एक ऐसी इफेक्टिव टेक्निक के बारे में जिससे कि आपका बोरिंग से बोरिंग काम में मन लगने लगेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करने में परेशानियाँ होती हैं और फोकस के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह टेक्निक आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। जब आप अपने किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो या ऑफिस के किसी बोरिंग टॉपिक पे काम कर रहे होते हो तो टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है। कुछ समय के बाद आपका ध्यान आपके काम से हटने लगता है और आपका मन करता है कि क्यों ना 5 मिनट गाने सुन लिए जाए या कोई और काम कर लिया जाए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारा टाइम बहुत तेज़ी से बीतता है और देखते ही देखते यह 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और बाद में हम पछताते रहते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। फिर आप सोचते हैं कि कल ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, और अगले दिन काम करने बैठते हैं तो भी ऐसा ही होता है। हम ऐसे अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलो जब एक स्टूडेंट थे तब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे अपने काम टालने की आदतों से परेशान थे। उनके पास एक टमाटर शेप का टाइमर था। उस टाइमर से ही उनके दिमाग में पोमोडोरो टेक्निक का आइडिया आया। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसे टमाटर कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में आपको जो काम करना है उसे 25-25 मिनट के 4 इंटरवल्स में ब्रेक करना है। हर 25 मिनट के शॉर्ट इंटरवल के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 4th इंटरवल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इन शॉर्ट इंटरवल्स को पोमोडोरो कहा जाता है। तो चलो जानते हैं कि इन पोमोडोरोस को कैसे अप्लाई करें। जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक पेपर लें और उस पेपर के बीचों बीच अपना गोल लिख लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है मैथ पढ़ना तो आप बीचों बीच लिखें मैथ, और अब मोबाइल में 25 मिनट का टाइमर सेट कर लें। अब आपको 25 मिनट पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। आप चाहो तो अपने मोबाइल का नेट बंद कर सकते हैं जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए, और अब अपने मोबाइल या किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ अगले 25 मिनट तक आपको ध्यान नहीं देना है। 25 मिनट के बाद आपका पहला पोमोडोरो खत्म होगा, जिसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके साथ ही पेपर पर टिक लगाना है जिससे आपको याद रहेगा कि आपने एक पोमोडोरो खत्म कर लिया है। 4th पोमोडोरो के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ध्यान रहे, इन ब्रेक्स में आपको एक्टिव रहना है। थोड़ा स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या चल फिर सकते हैं, इसमें बैठना या सोना नहीं है। आप चाहो तो 25 मिनट से कम का भी टाइम सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसे 15 या 20 मिनट का भी सेट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा भी सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 30 से 40 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकता है, और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लो होने लगती है। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक में डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं तो आपको अपने गोल रियलिस्टिक और अर्जेंट बनाने होंगे। आप चाहें तो ऐप्स का यूज़ भी कर सकते हैं जो कि आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। एक बहुत ही फेमस ऐप है पोमोडोरो टाइमर लाइट, आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं। इस तकनीक को करते समय आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करें, इसलिए आप इन्फॉर्म, नेगोशिएट और कॉल बैक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हों और आपका कोई फ्रेंड आ जाए तो आप उसे बोल दें बिजी है। नेगोशिएट, आप उसे बोल सकते हैं कि काम खत्म करने के बाद उससे बात करेंगे। कॉल बैक, अपना काम खत्म होने के बाद उस व्यक्ति के पास जाकर
आप खुद उसकी बात सुन सकते हैं। इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, नो रीजन टू अप्लाई फॉर गुड थिंग्स। पोमोडोरो टेक्निक फ्री है, इजी है और बोरिंग कामों को पूरा फोकस के साथ करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। फोकस फॉर 25 मिनट इज इजी। एक पोमोडोरो सिर्फ 25 मिनट का है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप इससे डिस्ट्रैक्ट हों। चाहे जितना भी बोरिंग काम क्यों ना हो, आपको पता है कि मुझे सिर्फ 25 मिनट तक ही करना है और बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे चढ़ेंगे? एक एक कदम को आगे बढ़ा के ही ना। कोई भी बड़ा काम एकदम से नहीं होता। अगर हम कोई भी काम बिना रुके करने की कोशिश करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और उस काम को अवॉइड करने लगते हैं, और जब डेडलाइन नज़दीक आती है तो हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। आप स्टूडेंट हो या आप वर्किंग हो, आपको एक बार ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। हम 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे और मैनेजेबल टास्क की मदद से बड़े काम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हमारी आज की स्टोरी आपके लिए बुक द पोमोडोरो टेक्निक से बताई गई है। तो अगर आपको काम करने में या स्टडी करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस तकनीक को यूज़ कर सकें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स।